सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बिजली की समस्या है, भूमि अधिग्रहण की समस्या है, आवारा पशु की है, नैनो यूरिया की है, पता नहीं क्या क्या है। अगर शेर की रेस में हार भी गए तो शेर कहोगे भाई, शेर का ना जाओगे। अगर यू ही चलता रहा, सबसे बड़ा नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ भाई किसान को, हमें कहने में कोई फरेज नहीं। अगर यही चलती रही तो सरकार की इसकी भी रहन लग रही मरण, कहीं झटका देख लो कैसा लगा। ये ताक में रहते रहे इनका 2014 में जुगाड़ बैठ गया भाई। इस योगी सरकार को ये जो अधिकारी है ले बैठे ने इन्हें कुछ यहां से कोई मारी सरकार भी नहीं की नहीं कुछ मारी सरकार भी जब तेरे उस तक अपना ढंग करे लो भाई। शराबपति के एक देखो हमें दुश्मन दिखाई दे तो शराब पंकुश लगाओ, फूट रहेगी तो सरकार हावी हो जाएगी आप पे। अभी क्या किया, 2 जुलाई को कैदियों की पारी भेजी जिन पुलिसकर्मियों ने आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी चौधरी साहब रतनमान जी सम्मानित मंच उपस्थित क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों पत्रकार बंधुओं सुरक्षाकर्मी बड़ा अच्छा इंतजाम आज बनेड़े वालों ने ढाबा चला रखा भाई, उनका भी धन्यवाद। मासिक पंचायत 17 जुलाई बड़ा अच्छा दिन है आज। एक पेड़ है यहाँ से पिलखड़ का घेर में, वो 30 साल की उम्र होगी उसकी आज 17 जुलाई 1994 में लगा था। वो चौधरी विजयपाल सिंह है मुरादाबाद वाले, एक दो अमरोहा में है, उन पर भी कल पता करवाया था तो वे कहने पर मैं नहीं आ सकता, ज़्यादा हरकत शरीर साथ नहीं दे रहा, पर हम सोच रहे थे भाई उनका भी फोटो वोटो खींचे, पर्यावरण के प्रति भी अच्छी जागरूकता रहे, अच्छा लगे पेड़ पौधों के। उसमें बातचीत तो बहुत चल रही, सबने अच्छी अच्छी बात बताई। किसान के सामने बहुत दिक्कत है और भी आने वाली, इतनी दिक्कत आने वाली जिन्हें आप लोगों को यकीन भी नहीं है। कल एक बता रहा था कि 9 मीटर लग गया ट्यूबवेल पर 28,000 रुपए का बिल, मगर नहीं तो 35-40 पर जा गए एक भिन्न में, ये भी कहा देख रहे थे मैं भी तो गेरो ढील। एक में इसमें फोन में देख रहा था एक उसमें वाइक बैग चूहों की रेस में अगर जीत भी गए तो चूहा ही कहोगे, अगर शेर की रेस में हार भी गए तो शेर कहोगे भाई, शेर का ना जाओगे। यू संगठन थाम्बा सार कर रहा बहुत बेतुकी। मैं तो एक ही बात बताऊं भाई, जो कोई किसी के लगाम हो कोई बगल अगल भूल भी सर का जा रहे हो अपना है आ जाओ क्या करोगे। यू ही संगठन है, मोरी धड़ा है यू, ऐसा न खो और कोई यहां से आ रहा कोई एहसान नहीं करा, थारा फर्ज है भाई, हम थारी आवाज उठा रहे, हम और की भी नहीं बुराई करते। एक नु गए खाट पर बैठे राम के नाम ले रहा था, दूसरा इनका कहने रहा राम के नाम क्या लगे खाट पर बैठ के, कहने रहा उनका तो चोखा में जो कोई नहीं ले रहे उनका तो चोखा में खाट पर बैठ के ले रहा। तो हम तो यहाँ कहे अपना ठीक है, आप लोगों के जुम्मा बहुत वो है, अगर यूं ही चलता रहा सबसे बड़ा नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ भाई किसान को, हमें कहने में कोई फरेज नहीं कहने में। अगर यही चलती रही तो सरकार की इसकी भी रहन लग रही मरण, इब कहीं झटका देख लो कैसा लगा। हमें कोई यहां राजनीति चुनावी नहीं सभा नहीं हो रही कुछ हुआ है, पर देख लो क्या दिन हो लिया। अगर यही इनकी तानाशाही चलती रही तो सन स्वतंत्र में जी बम हड़वे सही थे जी, भाजपा की भारतीय जनता पार्टी थी जी भी 2
दो रुपए क्विंटल गन्ना बिकवागा तो मैं कहते आदमी तो जान बचा लो। ये ताक में रहते रहे इनका 2014 में जुगाड़ बैठ गया भाई। हमने एक दो जगह पहले भी सुनाई बात नुगा बिड़तू अगर थी कहीं तो किसी ने ऐलान बोल दिया भाई कोई भीड़ पूरी उसमें। एक लाला जी था वो सुने तो कर वो देखे तो करा था पर भीड़ नहीं करा था भाई। जैसा मुठ भर जैसा काम है मारा इन्होंने उसका लाला कांगड़ी लगा दी भाई तू भीड़ ले ऐलान तो उठ जगह कहने रहा मदद तो ये डाल लगे भाई ठाडे मेरे तो पहलवान ने कहने रहे ऐलान तो उठ जगह ठाडा है तो कुछ नहीं कोई बात नहीं इज्जत तो रह जाएगी। वो भिड़न लगे पट्टे का नहीं अगर पहले था कोई दूसरे लोग पेट खा कर छाड़ा सा वह भिड़ता हुआ सर पहलवान को भी दिख गया तेरा तो इलाज घट गया नहीं वह भिड़ता हुआ उसे कहने पहलवान को भाई तू मुझे डा तो लेगा कहने हाँ पर कहने मारा गाँव मसाई जान तो मार दे बजो कोई कहने फिर कुकर जान बचे कहने जान तो बच सके तू चीत हो जा और जो कुछ इनाम मिलेगा होता जा दे दूंगा मैं। दोनों की बात रह जाएगी वह लाला नवा बातचीत करके भीड़ सी कर वो डाल लिया वह लाला की जय भूल की भाई बहुत बहुत रुपए इकट्ठे हुए वो आ रहे हुए पहलवान वो पीछे पीछे कहने ने जो तय हुई थी वह तो बता दे वो तो कर ले कहने वो तो मेरा दांत था भाई तो भाई इन्होंने दा मार लिया सब भिड़ा दिए भाई इब तो सिर्फ संगठन की बात है। आप लोग मजबूत रहोगे बस ठीक ठाक बात रहो जाएगी नहीं कुछ होगी बात बात ऊपर सबके साथ होगा हो जाएगा। एक भी काम इस सरकार में सही नहीं हो रहा भाई। अधिकारी बेलगाम जो किसी को रिश्वत पकड़वानी हो हम पकड़वा देने कितने दिन निकाला उस डायरेक्ट चल रहा मामला किसे कहे हमेशा उन्हें शर्म लग जाओ। और अधिकारी है वह तनख्वाह भी मिलती कम कमी तक तो नहीं इस योगी सरकार को ये जो जो अधिकारी है ले बैठेंगे ये ले बैठेंगे हम तो बुरे दिखते होंगे नगबा जना भाई ये क्यों उसी बात के हमने कभी योगी जी मुख्यमंत्री है इनका कभी विरोध नहीं करा पर ये बताओ ये जो बेलगाम अधिकारी है इनका कंट्रोल करना है इनका इन्हें कंट्रोल कर ले एक भी काम सोड़ा नहीं हो रहा एक भी काम सोड़ा नहीं हो रहा कोई काम नहीं हो रहे। और एक तो बताओ बस में 100 काम होते होंगे इनके 2 का तो हमारा भी हक बनता होगा भाई 2 का तो हमारा भी हक बनता होगा कोई काम धंधा बतावे कोई कहीं पीड़ित है कहीं कुछ है ये उन पर 2 पर भी कलम फेर रहे कुकर चलाकर रोड़ा तो होना ही है। आप लोगों को भी हम यही कहे बाकी के कितनों पे निगाह है अपना ढंग कर लो। जो यूनियन की टोपी ओढ़कर गले में हरियाणा गोच्छा गाल कर तुम भी ढंग कर लो तो क्या कितने आदमों की शिकायत आ रही पैसे दे लो कोई। हाँ नहीं मैं मजा कोई नहीं मैं किसी का नाम तो लेता पर मैं तो मैं बता रहा ढंग कर लो भाई इन्नी कुछ यहाँ से कोई हमारी सरकार भी नहीं गिन रही कुछ हमारी सरकार गिन जगह तेरे उस तक है उस तक अपना ढंग कर लो कोई भी आदमी अपना ऐसा ना करो निकालो बाजा बाजा ना दुकान ही बना ली। एक और सुन लो रोज के 50-60 मेरे पास कारडू की वार लग रही यू करण का पता नहीं क्या माँ भरा जोड़ दिया भाई कोई करण लागू नहीं होगा भाई सिर्फ 10 रुपए की रसीद है जो कोई जाएगा अपने आंगे तक जाओ भाई मारे बस का नहीं रात को फोन आवे हम यहाँ पकड़ लिए वो पकड़ लिए बिजनेस बना रखे कुछ नहीं कोई कारण नहीं आज तक कोई कारण लागू नहीं भाई ये कारण सब जमा कर दो 10 रुपए की सदस्य की वह है उसे दिखाओ भाई कोई नहीं करता हो अपने आंगे तक निकलो ये खमा खा गए तो ड्रामा बना दिया किसने बिजनेस बना रखी कोई गाइडियो पता ले रहे कोई कुछ कर रहे कोई वो नहीं है। ये कितने ही आदमी बिल्कुल महाबेकार जो कभी आना नहीं जाना नहीं और सिर्फ इस यूज के ना खेती का ना कहीं का ये अपने अंगे तक निकलो भाई लोग किसान यूनियन में बस
या ठीक है क्या बात? ये कोई करंट जो कोई जोन से यूनियन चलती होगी उस करंट तो वो चला लेंगे अपनी, लिगट जाओगे तुम जो सच्चा किसान है और जो कोई बिजनेस बाज है जो कुछ वो है। ये तो यहां से फजी तक टिल्ले मार रखे, मेरे तो रमन हुई नहीं पता कहां तो बनने। कोई कोई कहे भाई 17-18 लाख रुपए लेकर बाज गया, कोई 1100 रुपए जमा कर रहे, कोई भी किसी को कोई नू कहता हो भाई मैं 1100-1200 रुपए जमा करूंगा मेरा कार बना तो कुछ नहीं, एक सिर्फ 10 रुपए की रसीद है उसे दिखाओ भाई मैं सदस्य हूं बस किसान यूनियन का, इसका फालतू तो और कुछ नहीं। हम ही जाओगे घेर का बातचीत है तो दिखा सा पूरा फजीता हो गया, अपना ठीक ठाक रहो, जिसे कहीं जाना अपना चले जाओ कोई वो नहीं, सबके रास्ते खुले जिसे जहां से जाओ कुछ है बात अपना चले जाओ भाई, ये तो ऐसा फजीता मारा हो गया। मारे यहां से एक नाड़ देख रहा था भैंस में बजो कोई भी उठे कह ना उसे बुला लो, उसे बुला लो वो एक बार आप हथियारी गाय थी उन लोग आगे ना वो गर्मी से हो रही थी कुछ बेवसान हो गया उसे वो खाट पर बैठ गया भाई, जो कोई बुला कर लेगा था उसे नाड़ दुआड़ो कहना भाई चले जाए तो गर्माई गर्माई में तो अपने घर चले जाएगा, तो ऐसा दिन हो गया हमें मारा ऐसा इलाज घट दिया भाई ढंग तो रह लो, एक साफ बात है। एक दिन रात को 12:30 बजे फोन आ, एक वो है होटल बहुत महंगा सा कौन सा है मंसूरपुर में देवराणा, एक कहीं का एक कहीं का एक हमारे गांव का 12:30 बजे फोन करा कहना क्या कर रहे मगर बल उठे थे मैं कौन सा बोल रहा कहने कौन सा बता रहे मगर ऐसा तो पूछना पड़ेगा कहने जी रण सिंह का बजे कर था हमने टेम नहीं देखा भाग पड़े थे तो मैं कहा थे बोल रहा क्या है कहने यहाँ पकड़े जा रहे देवराणा में शराब में टून मगर पकड़े जा रहे क्या हो गया कहना नहीं नो बताओ हाँ ना बताओ भाई छुटवाओ नहीं बस और बहुत लाइट पड़ी कुछ मतलब नहीं कहीं आना नहीं जाना नहीं गए रण सिंह ने तो सारा परिवार भाग पड़ा था पता नहीं कहाँ कहाँ से नौबत आएगी जिप जाएगा उसे देवराणा वाले उसे बुपाड़े वाले को उसे कहा जितेंद्र को एक प्रधान था हमकल्ला छेड़ेगा उसे कहा एस ओ मंसूरपुर को आया मगा भाई का चलान पलान न कह दिया तड़की में छुटवाई भाई ए युद्ध हो रहा भाई शराब पत के एक देखो हमें दुश्मन दिखाई दे एक तो शराब पंकुश लगाओ यूनियन चलाओ बिल्कुल ठीक है साहब की यूनियन है उनके नाम तो चल रही भाई अनुशासन बिल्कुल जरूरी चाहगा रेल में जनवरी के महीने में उस रेल में आग बाड़ी गई मुकदमा दर्ज हो गया गौरव पे इस तरह का उड़दम पड़ाने चला भाई संगठन चलो ना चलो इस तरह का उड़दम पड़ाने चला भाई तो इस तरह की बात देखो इस तरह की बात नहीं चलती चलनी चाहती हम फिर भी आई गए ठीक ठाक रहो संगठन है चुनौती आप लोगों के सामने बिजली की समस्या है भूमि अधिग्रहण की समस्या है आवारा पशु की है नैनो यूरिया की है पता नहीं क्या क्या है संघर्ष तो भी जारी रहेगा भाई पर आप लोग जो संगठित रहोगे ठीक ठाक रहोगे तो कामयाबी मिलती रहेगी नहीं फूट रहेगी आप लोगों में फूट रहेगी तो सरकार हावी हो जाएगी आप पे इनकी इनकी मर्जी क्या है कहने का जो इनकी मनसा है किसानों का इस जमीन तक मोह भंग हो इनके बड़े बड़े फार्म बन जाएंगे आप लोग एक कप भैंस के घास के लिए उनके गेट पर खड़े रहोगे जो जमींदार हो आप लोग तो एक तरफ तो यह है आप लोगों की जमीन है जो इस जमीन पर वंचित होना चाहो तो भाई कहीं अलाभ अलाभ अगल बगल जा लो नहीं उसमें वो रहते
तो इस संगठन में रह लो, आप लोगों के हम साथ हैं, आपके बिना हम भी नहीं कुछ कर सकते। देखो बिल्कुल सही बता रहे, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों की आवाज उठा रहे, जोरू शोरू तो उठा रहे। एक है धरने प्रदर्शन की बात है, कम से कम सहारनपुर मंडल में थोड़ी सी सुलह ले लिया करो भाई, जिला अध्यक्ष से सुलह ले लिया करो, जिला अध्यक्ष हमारी ले लग रहा, ये ठीक नहीं है, कहीं किसी भी उसमें निर्णय ले ले फिर हम भी दिखे फिरे, ऐसी बात नहीं, बातचीत के जरिए तो उस वो करो, अथवा कहीं ये कुछ नहीं, कोई नहीं आंख लगा इस तरह देखो, जब फोतुल निकाया अच्छा नहीं लगता, वो झाड़ू पकड़ा रखी कि उसमें कहना पता नहीं क्या कारण होगा, जो कुछ बात है तो ये बैठ कर समाधान करो किसी बात का, आपस में काम खिंचा बहुत हो रहे। और भाई आप लोग आए यहाँ से धन्यवाद, इसी तरह से जहाँ से जो कुछ भी बात हो, बहुत दूर दूर तक आ रहे, बिजनौर से भी आ रहे, गाजियाबाद से भी, हापुड़ से भी, तो आप लोग संघर्ष कर रहे, अपने करो जाओ, और भाई बढ़िया रहा आप, ठीक है जैसे भी जिस लाइफ में हम हैं। अगला भंडारा 17 तारीख का सिसोली का रहेगा भाई, नई आबादी का।